सदगति करने वाला है। ज्ञान से ही सदगति होती है, योग से सदगति नहीं होती। ये क्या बात, जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी शरीर से सदगति होती है, यह शरीर छोड़कर के ऊपर चले जाते हैं, शरीर छोड़कर के ऊपर चले जाते हैं। तो जो शरीर छोड़कर के ऊपर चले जाते हैं उनको गति मिलती है, सदगति उसे कहेंगे कि शरीर से जिंदा भी रहे इस दुनिया में, सुख भोगे दुख न भोगे। वो सदगति भी दो प्रकार की होती है, एक सदगति वो होती है कि हम इस जन्म में ही पुरुषार्थ कर रहे हैं और इसी जन्म में इसी शरीर से हम ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां हम सुख भोगेंगे दुख नहीं होगा, कंचन का है जी, हाँ कंचन का है बनने वाला। और दूसरी सदगति उनकी होती है, शरीर तो यहाँ छोड़ देंगे लेकिन अगली आने वाली जो नई दुनिया है उसमें जन्म ऐसे लेंगे शरीर के कि वो शरीर से सुखी रहेंगे लेकिन दुखी नहीं रहेंगे। तो ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति है दुर्गति करने वाली। ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति से दुर्गति होती है, तो फिर गति कैसे होती है? सिर्फ योग करेंगे और ज्ञान बिल्कुल धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? गति होगी, सदगति नहीं होगी, दुर्गति भी नहीं होगी, गति हो जाएगी, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष जैसे रावण को मोक्ष मिलेगा।